में आपका स्वागत है और मैं हूं राहुल शर्मा। अभी कुछ देर पहले की बात की जाए तो दिहाड़ी के सरपंच सुवन सिंह द्वारा इंडस्ट्रियल एरिया को लेकर एक पत्रकार वार्ता की गई, तो जिस तरीके से उनके द्वारा ये बात रखी गई, अगर इंडस्ट्री यहाँ पे खुलती है तो रामनगर के जो 30 से 35 हज़ार लोग बाहर मंडियों में काम करने के लिए जाते हैं, चाहे वो लेबर तबका है या कोई और भी है, अगर वो जैसे कि बाहर काम करने के लिए जाता है और काफ़ी उन्हें परेशानियों का सामना भी करना पड़ता है, अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे खुलती है दिहाड़ी पंचायत में तो उन्हें भी काफ़ी हद तक सहूलियत मिलेगी। तो इस समय हमारे साथ मौजूदा है दिहाड़ी के सरपंच सुवन जी। सबसे पहले बाहू एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। तो जैसे कि आपके द्वारा पत्रकार वार्ता की गई, तो क्या कहेंगे इस पत्रकार वार्ता को लेकर? सबसे पहले मेरी तरफ से नमस्कार, मैं सुवर्ण सिंह, सरपंच पंचायत दिहाड़ी और ब्लॉक हमारा रामनगर। मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारा जो काली गवर्नमेंट ने जो आर्डर किया है कि हमारी जो दिहाड़ी पंचायत है रामनगर तहसील के अंडर इंडस्ट्रियल एरिया जो फाइनल आर्डर था हमारे जो ISM पवन कोतवाल जी प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू गवर्नमेंट, उन्होंने जो फाइनल आर्डर जो हुआ है वो कल ही किया है। तो ये बहुत बड़ी एक मुबारक की बात है पूरे रामनगर क्षेत्र के हमारे जितने भी लोग हैं सबके लिए, बहुत बड़ी मुबारक की बात है रामनगर के पंचायत के जितनी भी रामनगर का जितना भी सब डिवीजन है सबके लिए बहुत बड़ा जो अपॉर्चुनिटी, बहुत बड़ा मौका जो है कि रामनगर में जो है वो इंडस्ट्री खुलने जा रही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ हमारी जो डिस्ट्रिक्ट उधमपुर है, जिला उधमपुर में बटरवालियों में जो है वो इंडस्ट्रियल एरिया है और उसके बाद जो अभी रामनगर जो है वो सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल एरिया जो है बनने जा रहा है। यहाँ पर जो है मैं आपको बताता हूँ हमारे रामनगर में बहुत सारे ऐसे पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवान हैं, उसके अलावा कुछ और भी हमारे साथी हैं जहाँ से दिल्ली, बेंगलोर, पुणे, कलकत्ते वो यहाँ पर वो लेबर का काम करने जाते हैं। तो अभी जो है गवर्नमेंट ने ये बहुत ही एक अच्छा काम किया है बेहतरी के लिए, हम लोगों की बेहतरी और बढ़ाई के लिए बहुत ही बढ़िया काम जो है वो रामनगर में किया है। इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ हमारी जो केंद्र की सरकार हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी, उनके साथ हमारे जो यहाँ के सांसद हैं डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी और हमारे माननीय गवर्नर जहाँ पर जो मनोज सिन्हा जी हैं, और खासकर मैं बात करता हूँ हमारे पूर्व विधायक जो है RS पठानिया साहब, उन्होंने इसके लिए बहुत बड़ी एफर्ट और जोर जो है उन्होंने लगाया था। जब भी डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट बोर्ड की मीटिंग हुई उसमें भी उन्होंने इस इशू को उठाया और उसके अलावा जब असेंबली में भी उन्होंने इस इशू को उठाया कि मेरे रामनगर में बहुत सारे ऐसे मेरे साथी नौजवान हैं जो पढ़े लिखे हैं बेरोजगार हैं, उनको वो दरबदर ना हो, वो उनकी कोई खजर खराबी ना हो, उसके लिए उनको जो है वो लोकल स्तर पर जो है वो कोई ना कोई रोजगार जो है वो दिया जाए। तो अभी जैसे इसका जो फाइनल आर्डर हुआ है तो मुझे लगता है ये एक बहुत बड़ी राहत की बात है और मैं बताना चाहता हूँ कि ये एक पत्थर का मील जो है वो साबित होगी रामनगर में जो है इंडस्ट्री, क्योंकि हमारे जो जितने भी लोग बाहर जाते थे काम करने के लिए उनको अब बाहर जाने की जरूरत नहीं है, उनको इधर ही रामनगर में ही दिहाड़ी में ही उनको जो है वो अकोमोडेट और एडजस्ट किया जाएगा। तो अगर बात की जाए कुल मिला के क्या लगता है कितना इस इंडस्ट्री का लोगों को फायदा होगा, कितना रोजगार मिलेगा लोगों को? हाँ, मैं आपको बताता हूँ जैसे एरिया की, पहले मैं सबसे एरिया की बात करता हूँ। ऐसे तो हमने इनको 1025 गनार एरिया जो है वो दिया है, लेकिन अभी इन्होंने जो है वो 656 गनार जो है वो एरिया उन्होंने जो उसकी जो है अप्रूवल जो है फाइनल उन्होंने आर्डर को दिया है। तो मुझे लगता है बहुत बड़ा एरिया है जी, अगर एरिया के हिसाब से अगर देखा जा रही इतनी इसको इंडस्ट्री यहाँ पर जब भी लगेगी हर, मुझे लगता है उसमें थोड़ा टाइम भी लगता है उसको सेटअप करने में, तो जैसे ही रूट होगा मुझे लगता है कम से कम मिनिमम 30 से 25 हज़ार की जो बीच भी लोग हैं वो यहाँ पर वो है एडजस्ट किए जाएंगे। और ये एक बहुत बड़ी बात है, ये एक बहुत बड़ा नंबर है, इतना नंबर कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है। जहाँ से लेकर बसंतगढ़ तक इतने कोल्डी में चले जाएँ और इस साइड में अगर परलीतार ब्रा की बात करते इतने से लोग जो है वो पढ़े लिखे लोग यहाँ पर इंडस्ट्री हो सकते हैं। उसके साथ दूसरी बात मैं करता हूँ, जैसे पढ़े लिखे लोग हैं टेक्निकल डिग्री होल्डर लोग हैं वो भी, जैसे किसी ने इंजीनियरिंग की हुई है वो भी फ्री बैठा है, तो उसको गवर्नमेंट जो है वो लोन भी देगी और सिमी सेक्टर जो होता है उसमें छोटा छोटा जो रोजगार होता है वो भी इंडस्ट्री के थ्रू उनको प्रोवाइड किया जाएगा। तो धन्यवाद आपका। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे दिहाड़ी के सरपंच स्वर्ण सिंह बंदराल जी से, तो उनके द्वारा पूरी जानकारी दी गई कि कितनी लैंड उनके द्वारा जो चयनित की गई है और अगर ये इंडस्ट्री यहाँ पे स्थापित होती है तो हजारों की तादाद में लोगों का इसका फायदा भी होगा। फिलहाल के लिए मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।